नवी मुंबई नेटवर्क। सर्वांगीण विकास के ध्येय के साथ जनसेवा में 24/7 तैनात पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल के अथक प्रयत्नों के बाद डी मार्ट रेडी सेक्टर 6 रिक्शा स्टैंड चौक में नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से लगाए गए हाई मास्ट का सूरज पाटिल की मौजूदगी में प्रभाग के तमाम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिकों के हाथों लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जहाँ इस अवसर पर प्रभाग के असंख्य नागरिक और रिक्शा चालक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि अक्सर सेक्टर 6, सेक्टर 16, कुक्षित गांव, सेक्टर 14 व पाम बीच मार्ग में आवागमन करने वाले प्रवासियों को पर्याप्त विद्युत रोशनी न होने के कारण कई बार खुद की सुरक्षा का डर तो कई बार दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता था। यही कारण है कि नागरिकों को उत्पन्न हो रही इसी गंभीर समस्याओं को देखते हुए सूरज पाटिल द्वारा नवी मुंबई मनपा आयुक्त के साथ लगातार फॉलो अप और पत्र व्यवहार किया गया और आखिरकार महानगर पालिका ने जगह की स्टडी कर इस व्यस्तम चौक में हाई मास्ट को अपनी मंजूरी दे दी। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा में अब यह हाई मास्ट मील का पत्थर बनकर साबित होगा। पत्रकारों से बात करते हुए सूरज पाटिल ने कहा कि इस हाई मास्ट से नागरिकों को अब बड़ी दिलासा मिली है। सर्वतोपरी विकास संकल्पना राबत गटर मीटर वॉटर सग्या गोष्टी पूर्तता करता जिथं परिपूर्ण लाईट व्यवस्था गरजेचं आहे, हा चौक जरी एका बाजूला कन्स्ट्रक्शन चालू असलं, एका बाजूला कुक्षेत गाव सेक्टर 6 मुख्य भागातला चौक अंधारमय होता। पहाटे वॉकिंगला जाणारे लोक असतील, रिक्षा स्टँड आहे त्याकरिता येणारे लोक असतील, अथवा कुक्षेतच्या या दिशेनं सेक्टर 6 या दिशेनं जाणारे लोक सातत्याने अंधाराचा सामना करत होते। विद्युत पोल शिफ्टिंग करताना इथं थोडासा अजून अंधार वाढला आणि ही बाब इथल्या लोकांनी नगरसेवक म्हणून आम्हाला सुचवली आणि त्या अर्थाने सर्वे केल्यानंतर इथं हायमास उभारावं लागेल ही मागणी महापालिकेकडे केली। मी आयुक्त साहेबांचे आभार मानतो की मागणी करता त्वरित सी साहेब शहर अभियंता देसाई साहेब असतील, लाड साहेब असतील, या सर्वांनी त्वरित त्याची दखल घेतली आणि जागेवर खुद्द येऊन ही जागेला अप्रूव्हल दिला आणि इथं हायमास उभा केला। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।